नमस्ते, मेरा नाम है विश्वजीत। आप लोग देख रहे हो विश्वजीत मिक्स टेक्निकल। ये वीवो का मोबाइल है, देखो ऊपर लॉक का सिंबल दिख रहा है, ठीक है। एफ आर पी लगा हुआ है इसमें, तो मॉडल है V23 5G। तो ये जो एफ आर पी लगा हुआ है इसको मैं बाईपास करके दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो पे बने रहो, 100% इसका जो एफ आर पी है वो बाईपास हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐप भी डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा। तो पहले वीडियो में बने रहो। फर्स्ट तो वाईफाई कनेक्ट कर लेना है हम लोगों को, ठीक है। तो वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, उसके बाद बैक कर देना है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये भी देख लेता हूँ, होता है नहीं होता है। देखो फिर यहाँ पे नहीं होगा, ये जो प्रोसेस था पहले वाला वो अभी वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो अपडेट हो चुका है इसलिए ये मेथड काम नहीं करते, मैं दूसरे मेथड से दिखाऊँगा। तो वीडियो पर बढ़ जाओ, 100% इसका एफ आर पी बाईपास हो जाएगा। अगर एफ आर पी बाईपास होता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। टॉकबैक यूज़ टॉकबैक ऑन हो गया, क्लोज डबल टैप करके काम करना है, ठीक है। मैंने क्लोज कर दिया, एक्सेस दे देना है, आ गया। उल्टा हिल मारना है, वॉरी उल्टा हिल मार के अलाउ कर देना है। यूज वॉइस कमांड, यहाँ पे गूगल असिस्टेंट बोलना है, ठीक है। यूट्यूब, तो यूट्यूब खुल गया, ठीक है। यूट्यूब खुलने के बाद अभी क्या, वॉल्यूम प्लस माइनस को कंट्रोल को दबा के रखना है, टॉकबैक बंद करना है, ठीक है। 5 सेकंड टर्न ऑन, ओके कर दिया। अभी फिर से वॉल्यूम प्लस माइनस को कंट्रोल दबा के रखना है, टॉकबैक बंद हो गया, ठीक है। अभी काम करने में आसान होगा, हो गया। सेटिंग्स, फिर अबाउट में जाना है, देखो नीचे सबसे वाला नीचे वाला जो है अबाउट, ठीक है। यूट्यूब टॉप सेल सर्विस क्रोम खुल गया है, नो थैंक्स, अभी हो गया। अभी यहाँ पे सर्च करना है एफ आर पी फाइल, आ गया। एफ आर पी फाइल बाईपास, इसमें टैप कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो आया वेबसाइट उसमें जाना है। देखो फिर मैं जैसे ऐसे करता हूँ, पहले वैसे ऐसे करना है, 100% का एफ आर पी बाईपास हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ वैसे ही करना है, नहीं तो बाईपास नहीं होगा, ठीक है। बाद में बोलना नहीं कि ये ट्रिक काम नहीं करता है, पहले पूरा वीडियो देखो, 100% का एफ आर पी बाईपास हो जाएगा। या फिर लोगों जो वो पे लिख दिख रहा है वही उसमें सिलेक्ट करके मैं आगे जाता हूँ। वेरीफाई हो चुका है, देखो फिर पहले वीडियो देखो, उसके बाद ट्रिक को यूज़ करो। और दूसरा कोई प्रॉब्लम होगा तो मेरे साथ संपर्क कर सकते हो, मेरा वहाँ नंबर रहेगा, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेटिंग जो ना सेटिंग खोल लेता हूँ, मतलब ओपन कर लेता हूँ। देखो फिर यहाँ पे मॉडल दिख रहा है V23 5G, हाँ। तो हमें सिस्टम में जाना है, उसके बाद देखो रिसेट ऑप्शन, फर्स्ट सिंगल थर्ड तीनों को रिसेट कर देना, ठीक है। फर्स्ट हो चुका है, डन, और सेकंड वाला भी कर लेना है और थर्ड वाला भी कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट से क्या तीनों को रिसेट कर देना है। तो अभी थर्ड वाला जब करेंगे ना उस टाइम क्या होगा, मोबाइल ना होगा ना, ये भी रिबूट होगा, अभी बंद हो गया फिर चालू होगा, उसके बाद दूसरा स्टेप फॉलो करोगे, ठीक है। तो मोबाइल ऑन होने में इतना टाइम लग सकता है, तो वेट कर लेना, ठीक है। और मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन से अगर हेल्प होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, क्योंकि उनको भी ये हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो मोबाइल ऑन होने में टाइम लगता है, तो वेट कर लेना, ऑन हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे देखो, फिर से क्या करेंगे ना, वो जो वाईफाई कनेक्ट किया था ना, फिर से वाईफाई कनेक्ट कर लेना आप लोगों को, ठीक है। फिर से कनेक्ट करके फिर से पहले जहाँ पे गए थे वहीं पे जाएंगे, सेम टू सेम टॉकबैक कॉल करना है। फिर से दोबारा टॉकबैक यूज टॉकबैक एक्सेस दे देना है, डबल टैप करके काम करना है, फ्रेंड क्लोज फिर उल्टा हिल बढ़ना है, अरे हाँ, फिर एक से अलाउ कर देना है, वॉइस देना है यहाँ पे गूगल असिस्टेंट,
यूट्यूब, फिर से यूट्यूब खुल गया, यूट्यूब नहीं खुल गया, खुलेगा तो गूगल खुल सकती हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यूट्यूब खुल के भी कर सकते हो, गूगल खुल के भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट सेटिंग खोल के भी खुल सकती हो, तो अभी सेटिंग का काम तो नहीं है, गूगल खुल के ही कर लेना या यूट्यूब खुल के, यूट्यूब अगर नहीं खुलता है तो गूगल खुल लेना है, गूगल से डायरेक्ट हो जाएगा। तो फिर टॉकबैक बंद कर लिया, जैसे पहले किया था टॉकबैक बंद कर लिया, आप लोग भी सेम टू सेम कर लेना टॉकबैक बंद, ठीक है। उसको सेटिंग अबाउट यूट्यूब ट्रांसलेशन सर्विस, फिर से वही क्रोम ब्राउजर खुल जाएगा, फिर से वही सर्च करना एफआरपी फाइल बाईपास, तो आ जाएगा हर डोरा लिंक, जैसे जैसे किया था अभी सेकेंड स्टेप फॉलो कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो फ्रेंड मेरा दिया इन्फॉर्मेशन से अगर हेल्प होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग हेल्प को सपोर्ट करती हो तो ऐसे हेल्प को वीडियो बनाने मोटिवेट मिलता है, तो सपोर्ट करना मुझे। पैटर्न पिन पासवर्ड कोई भी सिलेक्ट करना, पैटर्न सिलेक्ट कर लिया और एक पैटर्न लगा दिया, क्या एल लगाया, ठीक है। यही पासवर्ड याद रखना है और ओके करके यस आई एम कर देना है, ठीक है। उसके पावर की दबा के कन्फर्म कर लेना है इसमें जो पासवर्ड लगाया वो या दिखा रहा है क्या नहीं दिखा रहा, दिखा रहा है तो 90% काम ख़त्म, 90% हम लोगों का काम ख़त्म हो चुका है। अभी क्या करेंगे देखो, फिर बैक कर लिया पूरा, भी फिर से आगे जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट करके आगे जा रहे हैं, तो देखो फिर वाईफाई हम लोगों का कनेक्ट है अभी, तो कनेक्ट ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो गेटिंग योर फोन रेडी, तो नेट मेरा काम नहीं कर रहा है शायद, चलो मैं दोबारा टैप करता हूँ। नेट फास्ट रखना फ्रेंड हमें, तो काम जल्दी हो जाएगा, तो मेरा आसान नेट काम कम रख कर रहा है, तो हो गया डॉट कॉपी। देखो फ्रेंड अभी चेकिंग इल्फो, जो पासवर्ड उस टाइम दिया था ना आप लोग, जो दियोगे वही देना है, मैं तो एल दिया था तो एल दूंगा अभी, ठीक है। अभी देखो फ्रेंड यहाँ पे मैजिक क्या होता है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड स्किप आ गया और यहाँ पे जीमेल भी नहीं मांगा, तो मतलब एफआर भी डन हो चुका है, ठीक है। तो मेरे द्वारा इन्फॉर्मेशन से अगर हेल्प होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना फ्रेंड, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ठीक है। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए।